ये है पूरी का स्टार्टिंग, यू कैन से दैट ये इस साइड से है, लाइट हाउस साइड से ये स्टार्टिंग एरिया है। यहाँ पे होटल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, यहीं से सामने आपको बीच मिल जाएगा यहाँ पे पूरी का। यहाँ पे आप होटल लेते हैं तो आपको सी फेसिंग अच्छा रूम मिल जाएगा, और कुछ होटल्स का भी मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। यहाँ पे चिड़िया भी उड़ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो झुग्गियाँ लगा के रखे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी, पता नहीं क्यों इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं, या गवर्नमेंट इसके पीछे कुछ क्यों नहीं करती, इसको सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, अभी भी यहाँ बहुत जमीन खाली पड़ा है। हाँ, प्लॉट मिल जाता भाई ना, हम भी ले लेते प्लॉट भाई यहाँ तो। यहाँ का झोपड़ी में सिर्फ आपको मिलेगा क्या, गुटखा, सिगरेट, और पता नहीं एक मैदा का बना हुआ रहता है क्या क्या, लोकल मिठाई वो मिलेगा। आप खाने के लिए प्रॉपर तरीके से तरसोगे यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा खाना खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, विथ हाइजीन यहाँ पर कुछ मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाला कूट कूट के भरा हुआ रहता है एकदम, उस पर सुबह बड़ी तकलीफ होती है। सुबह तो दिक्कत होगा भाई, देखिए कहीं भी लोग यहाँ पे सुसु करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये गलत चीज़ है। चाचा जी मिल गए, चाचा देखो कुत्ता भी देखो यहाँ सुसु कर दे रहा है गाड़ी में टांग उठा के। कुछ लोग रोड पे ही चप्पल से अपना पैर धो ले रहे पानी में जाके, रोड के पानी से। ये है यहाँ का फेमस लाइट हाउस, ये पुलिस पेट्रोल कर रखा है शायद, नहीं ये बीजेपी नेता का है। होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पे, होटल श्रीहरि, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे, आप अपनी कार पार्क कर सकते हो इजिली यहाँ पे। देखो भाई आराम से चलो आंटी, ना हड़बड़ा के नहीं चलना है। इधर हो गया मार्केट एरिया, बॉस इलाका, बॉस क्या हो गया, बहुत कचरा एरिया है। इतना यहाँ सुनामी तबाही आता है कि बार बार रोड का स्थिति यहाँ खराब हो जाता है। इधर के होटल्स का स्थिति देखिए कितना खराब हो गया है। मेन भीड़ इधर ही होता है, ये हो गया सुवक द्वार बीच, गोल्डन बीच, इधर ही है, और इधर बहुत भीड़ रहता है। अगर आप भीड़ पसंद है आपको तो आपके लिए ठीक है, वैसे हम लोग को भीड़ पसंद बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग लाइट हाउस के साइड में ही होटल लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं प्राइवेसी, शांत रहना, थोड़ा शांत से होटल पर रहना, तो उधर का ही रूम प्रेफर करें। और यहाँ का सी फूड जो है, जो रोड पे लगता है, वो तो बिल्कुल भी मत खाएं भाई यार, बहुत ही खराब रहता है, और वो लोग बहुत बासी स्टेल फूड खिलाता है वो लोग। एक दिन का रहता है, दो दिन तीन दिन पीछे का रहता है, वो लोग खिलाता है उसी को। और यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग नहीं है, जिसके वजह से यहाँ गाड़ियाँ रोड पे ही लगा के चले जाते हैं लोग। अगर आपको पूजा करना है, दर्शन करना है जगन्नाथ स्वामी जी का, तो फिर आप पुरी के टाउन साइड ही अपना रूम लें। यहाँ पे लाश जलता है, स्वर्ग द्वार के ही रास घाट है, मोक्ष की प्राप्ति होती है भाई। हम
लोग का मूंछ तो निकला हुआ है। यहाँ पे आपको साड़ियों का दुकान है, साई हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम उत्कल हैंडलूम, लोकल साड़ी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, औरत लोग के लिए अच्छा जगह है। संबलपुरी साड़ी एट्सेट्रा, ये हो गया गोल्डन बीच यहाँ का, ये आपको मेन भीड़ यहीं पे रहेगा, आप देख सकते हैं कितना भीड़ है इधर। यहाँ एक ब्लू फ्लैग बीच है जो आगे मिलेगा आपको इस साइड पे ही। इधर जो ब्लू फ्लैग बीच है इसके आगे, उस पर पैसा देना पड़ता है। और एक चीज़, ये ब्लॉग मैं अपने पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपना घूम रहा हूँ उसको, बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।